Hello friends, I'm Arjun Singh Litwal from Rohtak, Haryana. I'm 13-year young boy studying in 8th standard. तो दोस्तों, आज हम सब बात करने जा रहे हैं ध्यान के बारे में. ध्यान क्या है, कैसे करना है और उसके क्या लाभ है, हम इन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे. पर उससे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता. आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी आत्मा के बारे में जानना. हम क्यों आए हैं, क्या करना है, हमारा मकसद क्या है धरती पर आने का, तो ये सब जानना है आध्यात्मिकता कहलाता है. तो चलिए अब हम ध्यान के बारे में जानते हैं. ध्यान हमारे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है. वह शक्ति हमें हमारे भ्रमे ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड को परमाणु से, हम सबको एक बंधन में बांध के रखती है. और उस शक्ति को हम कहते हैं विश्व शक्ति, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी. यह कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हर जगह यह एनर्जी है. तो दोस्तों, यह एनर्जी हमें मिलती है रात को सोते समय. परंतु जो एनर्जी हमें रात को सोते समय मिलती है, वह हमें हमारे हमें काम करने के लिए, हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए, मन के लिए काफी नहीं है. हमें और ऊर्जा की जरूरत है. तो और ऊर्जा अगर हमें नहीं मिलती तो हम तनाव में चले जाते हैं, थक जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं. यह सब चीजों से बचने के लिए हम ध्यान करते हैं. अब ध्यान कैसे करना है और कहाँ करना है, यह सब आपके सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा. तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान कैसे करना है और कहाँ करना है. तो आइए पता लगाते हैं. तो दोस्तों, ध्यान को हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पर भी बैठ के कर सकते हैं. अगर आप जमीन पर कुर्सी पर बैठ कर करना चाहते हैं तो आप पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथ उंगलियों को फंसाइए और आंखें बंद करके बैठ जाइए. यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो जमीन पर कोई कपड़ा बिछा कर या गद्दा टाइप बिछा कर बैठ सकते हैं. गद्दे पे भी नीचे बैठे तो पैरों को क्रॉस कीजिए, उंगलियों को फंसाइए, आंखों को बंद करके और बैठ जाइए. अब हम देखते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें ध्यान की अवस्था में कैसे बैठना है, किस अवस्था. एक आपको जरूरी बात मैं बता देता हूँ ध्यान में बैठने से पहले. हम जब ध्यान में बैठते हैं, हमें अपने शरीर की हरकतों को रोकना होता है. हमें आंखें नहीं खोलनी, हमें हाथ नहीं हिलाने, पैर नहीं हिलाने, और जो हमारी कमर है वह सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का जो फ्लो है हमारे शरीर में वो कहीं उसमें कोई अड़चन ना आए. तो इसलिए हम अपनी कमर को सीधी रखेंगे, ठीक है. अब हम पता लगाते हैं ध्यान करना कैसे. अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस दोनों पर कंसंट्रेट करना है. एक अगर जब आप सांस लें तो आपको ठंडी हवा का अनुभव करना है, और जब आप सांस छोड़े तब आपको एक गर्माहट का अनुभव करना है, ठीक है. तो इस तरह हम ध्यान करेंगे. यहाँ पर जो आपकी नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पर आप ये चीजें महसूस करेंगे. ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सारे. पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा. यदि स्टूडेंट्स ध्यान करेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, तो उनका माइंड शार्प होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वह हर काम में सफल होंगे. हर कला में वो हर चीज में बेहतर हो जाएंगे. और बड़ों के लिए तो है, यदि आप अपनी सेहत चाहते हैं, ध्यान से आपको सेहत भी मिलेगी. आप जो भी चाहते हैं आपको ध्यान से सब कुछ मिलेगा. और सबसे जरूरी चीज जो हर कोई चाहता है वो है मन की शांति. मन की शांति हमें सिर्फ ध्यान से मिलती है. तो इसी प्रकार हम ध्यान को जानेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.